हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज मेरी तबीयत बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही रिलीफ मिला है हमें। और मेरी नंद डेली मेरे लिए नाश्ता बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के भेजती है, जो एक पेशेंट को खाना चाहिए। बहुत अच्छा टेस्टी खाना बनाती है और डेली मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, जब से हम बिस्तर पे पड़े हैं, बना बना के हमको डेली खाना वो भेजती है। आइए देखते हैं कि क्या बनाई है मेरे लिए। सब्जी है, मेरी तबीयत ख़राब है, मसालेदार अवॉइड किए, डॉक्टर बोले मसालेदार नहीं खाना है। ये आलू और बरी की बहुत ही अच्छी सब्ज़ी, वो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। ये आलू की पूड़ी है जिसमें घी तेल बिल्कुल कम ही डाली है मेरे लिए। आज बोली भाभी आपके लिए आलू का पराठा बना रहे हैं, उसको ज़रूर खाइएगा, उसमें घी बिल्कुल नहीं लगाए हैं। बच्चों के लिए नाश्ता, मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता, खाना जब से हम बिस्तर पे पड़े हैं वही बना के हमको खिला रही है। इसमें देखिए क्या है, ये देखिए आलू बैंगन की सब्जी, भिंडी की सब्जी। कितना हमसे खिलाता नहीं लेकिन ज़रूर भेजती है, डांट के कहती खाना पड़ेगा आपको। ये टमाटर की चटनी, इसमें मेरे लिए रोटी है। इतना सारा चीज़ बताइए एक पेशेंट खा पाएगा? वो सोच रही भाभी उसकी कितनी जल्दी ठीक हो जाए। देखिए डेली वो सुबह उठ के मेरे लिए सारा चीज़ बनाती है, मेरे लिए भेजती है। थैंक यू पिंकी, बहुत बहुत भाग्यशाली हमें कि तुम्हारी जैसी नंद हमको मिली। नंद नहीं, एक बहन और मेरी दोस्त हो तुम। थैंक यू। चल रहे हैं दोस्तों खाना खाने, नाश्ता करने, फिर उसके बाद दवा खाना है, इंजेक्शन लगवाना है और फिर बिस्तर पे आराम करना है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। नमस्कार।